शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा सोमवार को शिवतारी एवं नाथ पंथ के प्रणेता गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली गोरक्षपीठ में लोक कल्याण की मंगल कामना के साथ आदि शक्ति की विशेष उपासना पीठ की परंपरा के अनुसार वैदिक विधि विधान से प्रारंभ हो गई। गोरक्षपीठ अधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मठ के पहले तल पर स्थित शक्ति पीठ में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना कर प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की। पहले दिन का अनुष्ठान जगत जननी की आराधना 2 घंटे तक चला। देवी पाठ आरती और क्षमा प्रार्थना के साथ पूर्ण हुआ। कलश स्थापना के पूर्व गोरखनाथ मंदिर परिसर में परंपरागत भव्य कलश शोभा यात्रा श्रद्धा भाव से निकाली गई। शाम करीब 5:30 बजे मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ को गोरक्षपीठाधीश्वर ने परंपरागत रूप से अपने हाथों से शिवतारी गुरु गोरक्षनाथ का त्रिशूल देकर रवाना किया। योगी कमलनाथ के नेतृत्व में साधु संतों की शोभा यात्रा माँ दुर्गा के जय घोष के बीच पौराणिक मान्यता वाले भीम सरोवर पर पहुंची, जहां कलश भरने और सरोवर की परिक्रमा के बाद शोभा यात्रा वापस शक्तिपीठ पहुंची। मठ के भूतल पर जल भरा कलश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं उठाया और शक्तिपीठ के गर्भगृह में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वरुण देवता का आवाहन कर कलश स्थापित किया। गोरक्षपीठाधीश्वर ने सबसे पहले माँ दुर्गा, भगवान शिव और गुरु गोरक्षनाथ के शस्त्र त्रिशूल को प्रतिष्ठित करके गौरी गणेश की आराधना की। इसके साथ ही दुर्गा मंदिर शक्तिपीठ के गर्भगृह में श्रीमद् देवी भागवत का पारायण पाठ एवं श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी शुभारंभ हो गया। पाठ के उपरांत आरती एवं प्रसाद वितरण किया गया। आरती में मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ भी सम्मिलित रहे। सभी अनुष्ठानिक कार्य मंदिर के प्रधान पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी के नेतृत्व में अन्य पुरोहित, संस्कृत विद्यापीठ के आचार्यगण व वेद पाठी छात्रों ने संपन्न कराए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्र पर्व पर 9 दिन व्रत के व्रत पर हैं। व्रत का यह सिलसिला उनके गोरक्षपीठ में आगमन के साथ से ही 2.5 दशक से अधिक समय से जारी है। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व योगी आदित्यनाथ पूरी नवरात्र गोरखनाथ मठ के पहले तल पर ही प्रवास कर उपासना में रत रहते थे। सीएम की बड़ी जिम्मेदारी के बाद सिर्फ प्रवास में बदला हुआ है, शेष पूजा आराधना का क्रम अनवरत जारी है। मंदिर परिसर में कलश शोभा यात्रा पूरी तरह परंपरागत ढंग से निकली। आगे आगे त्रिशूल लिए मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ और उनके पीछे अस्त्र शस्त्र लिए अन्य साधु संत, साथ में संस्कृत विद्यापीठ के आचार्य व वेद पाठी छात्र, घंटी, घंट, शंख और नाथ संप्रदाय के विशेष वाद यंत्र नागफनी की गूंज के बीच कलश यात्रा भीम सरोवर पहुंची। भीम सरोवर में सभी अस्त्र शस्त्र को स्नान कराने व कलश भरने का अनुष्ठान पूरा हुआ। शंख ध्वनि एवं वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शोभा यात्रा वापस शक्ति मंदिर पहुंची। Thank you.
Yeah.